सिंपल, खुश रहने के लिए क्या चाहिए, शादी चाहिए? वेल, इसका जवाब मेरे साथ में जो दो लोग खड़े हुए क्यूट क्यूट से, वो लोग देने वाले हैं, क्योंकि अमित मिश्री एंड आमी त्रिवेदी आने वाली हैं सब टीवी के सात फेरे की हेरा फेरी, सात फेरों की हेरा फेरी। ओके, मतलब शादी होने वाली है, ओके समझ में आ गया। अब आगे क्या होगा? शादी तो हो चुकी है, साथ में रह रहे हैं और साथ फिर शादी के बाद जो, हाँ साथ शादी के बाद जो नोकझोंक होती है पति पत्नी के बीच, अनबन होती है उनकी, और हर रोज़ की नई नई अनबन, किस्म किस्म की अनबन होती है, फिर उसको कैसे संभालते हैं दो लोग मिलकर, उसकी सिचुएशनल कॉमेडी है। गुजराती में एक ही प्रॉब्लम थी कि मुझे हमें इसको गुजराती, हार्ड हिटिंग गुजराती एक्सेंट वाली लड़की नहीं बनाना था। वी वॉन्टेड टू मेक इट वेरी रिलेटेबल नाउ एंड मोर अंडरस्टैंडेबल पैन इंडिया, सो वी केप्ट हर वेरी नॉर्मल। एक नॉर्मल घर की लड़की है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, कोई हार्ड हिटिंग मैनरिज्म्स भी नहीं है, बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है। शादी की नोकझोंक देखने वाली हैं हम इसमें, तो आप लोगों का पर्सनल व्यू क्या है शादी को लेके, करनी चाहिए कि नहीं? मेरी हो गई है, अब आप पूछ रहे हो। करनी चाहिए, बट डेफिनेटली करनी चाहिए। व्हाट अबाउट यू? या आई थिंक मैरिज इज इंपॉर्टेंट, होनी चाहिए। और अमित, आप बहुत टाइम बाद में हम आपको देखने वाले हैं, तो उस टाइम से अभी तक में कॉमेडी में क्या चेंजेस आए? सिचुएशनल कॉमेडीज़, जैसे एक तारक मेहता मैं देखता हूँ, हमारा दोस्त है दिलीप जोशी, उनके साथ हमने काम किया था ये शुभ मंगल सावधान में, उनका शो देखकर मज़ा आ रहा था। सिटकॉम मेरे ख्याल से हमने जो शुभ मंगल सावधान में केमिस्ट्री और जो मैजिक क्रिएट किया था, उसी किस्म का मैजिक इस शो में क्रिएट होगा ऐसा मुझे फील हो रहा है करते वक्त। हम अब ऑडियंस का रिस्पांस देखेंगे तो समझ में आएगा, और इस रिस्पांस जैसे जैसे आएगा उससे हम उससे प्रेरणा मिलेगी या विल डू प्रेरणा होगी कि हमें और क्या करना है, कैसे करना है। बट आई थिंक इट्स द कैरेक्टर, इनके सिचुएशंस, रूपल और परिमल के जो सिचुएशंस है, दे विल बी क्वाइट रिलेटेबल। तो रूपल डोमिनेटिंग वाइफ हैं जो प्ले रोल प्ले करने वाली हैं, और आप बहुत ही सकुचाए से, सहमे से हस्बैंड हैं। रियल लाइफ में मैं ऐसा नहीं हूँ। रियल लाइफ में ऐसा भाई, इसमें सहमा हुआ है यस, बट बेवकूफ नहीं है। नहीं, माइंड गेम भी नहीं, संभालने की कोशिश है ना, तो उसका मजा है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट से कैरेक्टर की, दैट इज फन टू। और नाम भूल जाता है इसका बार बार, तो बहुत परेशानी वाली बात है। बीवी का नाम कोई कैसे भूल सकता है? Exactly, कैसे? और ये तो कुछ नहीं है, मुझे लड़कों के नाम से भी बुलाते हैं कभी कभी। वीरल बुला लिया, कुछ भी, मतलब बेसिकली इनको नाम भूलने की बीमारी है। तो आप लोगों के साथ में इस शो में शेखर सुमन जी भी आ रहे हैं, जो बहुत टाइम बाद में आप टीवी पे आने वाले हैं, उनका साथ में काम करके एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वॉज़ वंडरफुल। ही इज समबडी वी ऑल लुक अप टू, उनको देखे हैं कॉमेडी करते हुए, देख भाई देख, मूवर्स एंड शेकर्स, यू नेम इट। आई थिंक आई नेवर मिस्ड अ सिंगल एपिसोड एज अ चाइल्ड, एंड सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी वर्किंग विथ हिम एंड शेयरिंग स्क्रीन स्पेस, एंड आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। लाइकवाइज, मैं भी फ़ैन रहा हूँ देख भाई देख, जैसे इन्होंने कहा, मूवर्स एंड शेकर्स का मैं बहुत फ़ैन था, जिस तरीके से शेखर भाई वो शो को हैंडल करते थे, आई थिंक इट वॉज़ कमेंड, इट वॉज़ ब्रिलियंट। तो मैं खुश हुआ कि वो फिर से एक्टिंग करने के लिए टीवी पर आ रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा भी कि आई एम हैप्पी टू सी यू एक्टिंग, यू नो, आप होस्ट कर रहे थे, आप बहुत कुछ आप एक्टिंग कर रहे हैं और हमारे साथ कर रहे हैं, उसका आनंद है। सात फेरों की हेरा फेरी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोग शादी से दूर भागने लगेंगे? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट पीपल विल फील दैट संबंधों में कैसे ह्यूमर की आवश्यकता है, हर रोज लाइफ में एडवेंचर होता है। हाँ, और हमें अपने आप को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, अपने आप को थोड़ा लाइटली लेंगे तो रिश्ते भी लाइट बन जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।